हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ महाबलेश्वर फुल फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग का कहीं प्लान नहीं बना था जाने के लिए। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आज जाने वाले हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पहुँचने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हम सभी लोग यहाँ पर बातें करते करते, गप्पे मारते मारते हम लोग की जर्नी भी तय हो चुकी है और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं महाबलेश्वर। यहाँ पर सब लोग एक साथ आ गए हैं और हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखने वाले हैं सब जगह घूम घूम के। एक्चुअली आज धूप बहुत ज़्यादा ही है तो सबकी आंखें बंद हो रही है। ऑब्वियसली धूल भी बहुत ज़्यादा ही उड़ रहे थे, हवा भी थी और धूप भी बहुत ज़्यादा थे। तो सब लोग आपस में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, जो कि ये प्लेस बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए घोड़ा भी अवेलेबल है। अगर आपको घूमना है तो आप घोड़े पे बैठ के भी घूम सकते हैं, या फिर फोटोज़ वगैरह भी खिंचवाना है तो आप घोड़े पे बैठ के इस तरह से फोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं। हम लोग सिर्फ घोड़ों के साथ फ़ोटो क्लिक करवाए। यहाँ पर मेरी कृषा अपने पापा की गोद में घूम रही है क्योंकि अभी वो चलना बिल्कुल नहीं चाह रही है। यहाँ का व्यू देखिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिखता है। अगर आप वहाँ जाते हो, खुद से अगर देखते हो तो बहुत 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 प्यारा दिखता है। यहाँ पर हम लोग चलते चलते थक गए तो हम लोग फाइनली घोड़ा गाड़ी लिए, जो कि घोड़ा गाड़ी बैठने के बाद हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैं भी जब छोटी थी तो कभी कभी मैं अपने बचपन में बैठी हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी भी अवेलेबल है, आप उसे लेके भी आप जितना भी पॉइंट है यहाँ पर घूम सकते हैं। क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है और छोटा बेबी भी हमारे साथ है तो ज़्यादा पैदल चलना इतना पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर घोड़ा गाड़ी भी ले लिया है। यहाँ पर हम लोग सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ पर एक आइसक्रीम बेचने वाले भैया मिले हैं जो वो बता रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग वगैरह हुई है, जो कि वो तारे जमी पे, गदर का, वेलकम टू वगैरह इस बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल वगैरह सब भी जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े घर से लोग बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर घूमने के बाद हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। यहाँ सब लोग बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा धूप भी है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है ये जो पैर का चिन्ह है ये पांडवों का पैर का चिन्ह है, ऐसा सब लोग वहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं फोटो क्लिक करवाने, क्योंकि ये जो हार्ट बना हुआ यहाँ पर फोटो बहुत ज़्यादा ही अच्छा आते हैं। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ सामान बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, पत्थर का सामान वगैरह सब बहुत अच्छे थे और सबसे अच्छी बात थी उसके रेट बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। तो हमने कुछ कुछ सामान यहाँ परचेज़ किया है।
फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर गन्ना के रस पीने के लिए, क्योंकि गन्ना बहुत ज्यादा ही फायदेमंद भी है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ सब लोग इंजॉय कर रहे हैं गन्ना के रस में। यहाँ मेरी कृषा गन्ना का रस पी रही है और पीने के बाद वो फिर से खेल में अपना लग जाती है। यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और फिर यहाँ से चलते हैं और सब चीजें देखने के लिए। यहाँ पर मेरी जिठानी ने कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं, बट इसका नाम नहीं मालूम मुझे, बट देखने में बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। खाने में उतना टेस्टी नहीं था, बट फिर भी ठीक था। फिर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट घूमने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पॉइंट बचा हुआ है। तो यहाँ पर हाँ, मेरे हस्बैंड, मेरी जिठानी सब लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। फाइनली हम नेक्स्ट स्पॉट पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं वहां हम लोगों ने क्या देखा। चलते चलते हालत खराब हो गई हम लोग की। यहाँ तो मेरे हस्बैंड जी और लग जा आराम से जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम और मेरी जिठानी कुछ देर रुकेंगे, क्योंकि चलते चलते बहुत ज़्यादा ही हालत खराब हो गई थी। बहुत ज़्यादा ही सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रहा है, इसलिए से यहाँ पर हम लोग रेस्ट करने के लिए कुछ देर बैठ गए हैं कि चलो वो लोग को जाने दो, इसके बाद हम लोग जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। फिर यहाँ पर देखिए, आपको जो भी खाने पीने के लिए कुछ लगता है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ वहाँ पर लगा रहता है, आपको जो भी खाना है पीना है, गन्ना का रस है, फिर इसके बाद छाछ है, फ्रूट्स है, आपको जो भी लेना है, पानी का बॉटल वगैरह, सब चीज़ यहाँ पर मिल जाते हैं आपको रास्ते में, जो कि इतना परेशानी नहीं होता है। आप जो भी चीज़ खाना चाहते हैं आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ही दुकान लगा हुआ है, जो कि सब लोग को जो भी कुछ खरीदना हो, यहाँ पर मेरी जिठानी और पूजे कुछ परचेस कर रही है खुद के खाने के लिए। यहाँ पर सारे आइसक्रीम की दुकान है, क्योंकि महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने स्ट्रॉबेरी परचेज़ कर रहे हैं, जो कि स्ट्रॉबेरी बिल्कुल फ्रेश और बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी देख रहे हैं, फिर मेरी जिठानी भी आ जाती है। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी को पैक करवाया। इसके बाद हम लोग चले आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। ऑब्वियसली महाबलेश्वर आए हैं और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं खाओ तो भाई बात ही नहीं बनता है उसके पहले। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी ही दुकान है इसकी, सारे फ्लेवर्स के इनके पास आइसक्रीम वगैरह सब चीज़ हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही परचेज करने वाले हैं।
और कृष्णा घूम घूम के बहुत ज्यादा मस्ती कर रही है दुकान पे, क्योंकि पूरा दिन गाड़ी में बैठ बैठ के कृष्णा बहुत ज्यादा बोर हो गई है। फाइनली हमारा आइसक्रीम यहाँ पर आ गया है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। महाबलेश्वर अगर आप आते हो तो प्लीज़ आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करो, वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेश और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। सारी जगह घूमने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि अब हम लोग को भूख बहुत ज़्यादा ही लग गई है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी नाइट भी होने वाली है तो पहले खाना खा लिया जाए, इसके बाद हम लोग घर निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और यहाँ पर कृषा मेरी इंजॉय कर रही है, क्योंकि कृषा थोड़ा भी नीचे उतरती तो वो खेल में लग जाती है। यहाँ पर हमारा डिनर भी आ गया है तो हम लोग यहाँ पर चिकन स्पेशल थाली लिए हैं। इसके बाद हमारा खाना पीना होने के बाद कृषा फिर से इंजॉय कर रही है। अगर आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। चलिए अब मैं जा रही हूँ घर। ओके बाय।